हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम दोनों फ़ोनों के कैमरा टेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों फ़ोनों के कैमरा टेस्ट के बारे में, कौन कौन से ये फ़ोन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दोनों फ़ोन हमारे पास आ चुके हैं, वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट जो कि हमारे पास देखने को मिल जाता है, वन प्लस नोट सी ई थ्री लाइट आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड आपको देखने को मिल जाता है वीवो टी टू एक्स, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं वीवो टी टू एक्स, दोनों के हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, दोनों फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों में कैमरा कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन प्लस में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम मेगा पिक्सल में बात करें तो मेगा पिक्सल में देखने को मिल जाते हैं, वन प्लस में जो कैमरा मिल जाता है वो 108 प्लस 2 प्लस 2 मेगा पिक्सल देखने को मिल जाते हैं। वहीं वीवो में बात करें तो इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है जो कि आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, 50 प्लस 2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाता है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाता है, वन प्लस देखने को मिल जाता है आपको 19,000 रुपये की प्राइस पे देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा बहुत लैग कम ज़्यादा हो सकता है। और वीवो का आपको फोन देखने को मिल जाता है, ये आपको देखने को मिल जाता है 13,000 रुपये की प्राइस पे, 12999 में देखने के लिए मिल जाता है। अब फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है जो कि यू नॉच के साथ आती है, साथ ही आपको वन प्लस में देखने को मिल जाती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है जो कि आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है। तो हम बताएंगे दोनों फोनों के कैमरा टेस्ट के बारे में, दोनों में हमने कुछ फोटो पहले से शूट कर रखे हैं, कैमरा सैंपल वो आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लाइव करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोनों फोनों के कैमरा ओपन कर लेते हैं। जब दोनों कोने में फोनों के कैमरा ओपन करेंगे तो यहां से देख सकते हैं फ्रंट कैमरा कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां से हम बैक कैमरा पर सेट कर देते हैं दोनों फोनों को। अब दोनों फोनों में आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं हमारे फोन के अंदर जो हमारा लैपटॉप सामने रखा हुआ है इस पर आप देख सकते हैं, सिंपली हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे फोन के अंदर सामने हमारा पीसी रखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ देखने को मिल जाता है। अब दोनों फोनों में आपको कैमरा टेस्ट यहाँ से कुछ देखने के लिए मिल रहे होंगे। इस प्रकार से दोनों में हम पहले फोटो शूट कर देते हैं, यहाँ से एक एक जो कि हमारा लैपटॉप सामने रखा है इसका हम फोटो शूट कर देते हैं। इस प्रकार से दोनों का हम कुछ फोटो पे अभी लाइव शूट कर रहे हैं, हमने यहाँ से दोनों का फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से दोनों में फोटो देखने के लिए मिल जाता है, ये वाला आपको वीवो को देखने को मिल जाता है, इधर वाला आपको देखने को मिल जाता है वन प्लस का, इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप कलर वगैरह देखते हैं जो कि आपको वन प्लस में बेटर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इसमें मेगा पिक्सल कैमरा भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोनों के कलर वगैरह, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्लाइट ज़्यादा देखने को मिल जाती है। कुछ और कैमरा सैंपल हमने अपने फोन में पहले से ले रखे हैं जो कि हम आपको अब यहाँ से चेक कराने वाले हैं। यहाँ से देख सकते हैं वन प्लस नॉट के फोटो, ये बॉक्स के फोटो यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे, जो अपनी राय है कमेंट करके बताएं आपके को कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको फोन। ये सेल्फी है आउटडोर की सेल्फी, सनसेट में की, ये सनलाइट की सेल्फी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें वन प्लस का फोन देख सकते हैं, ये आपको वीवो में देखने के लिए मिल जाता है। जब ऐसे जूम करते हैं तो दोनों फोनों में आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो भी अगर शार्पनेस आपको कौन सा अच्छे लग रहे हैं, हमारे हिसाब से वन प्लस इसमें बिना रहने वाला है क्योंकि इसमें आपको कलर वगैरह अच्छे देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल वगैरह जो कि आपको वन प्लस में देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये थोड़े से ज़्यादा ब्राइट कर देता है वीवो का फोन। ये आपकी आउटडोर की देख सकते हैं फोटो है, आउटडोर के फोटो आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि आपको सनलाइट के फोटो आपको देखने को मिल जाते हैं। सेम फोटो है, सेम लोकेशन के देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इस प्रकार से देख सकते हैं फोटो। इसमें कलर वगैरह आप दोनों फोनों में देख सकते हैं और जूम भी आप करने के बाद देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जूम आपको देखने के लिए मिल जाती है, सामने खेत में देख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो इस प्रकार से फोटो आपको देखने के लिए मिल जाती है। सेकंड फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं इधर आपको रूम के फोटो देखने को मिल जाते हैं, ये फोटो आपको देखने मिल जाते हैं रूम के अंदर, यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके आउटडोर के बाद ये इंडोर के फोटो आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए हमने आपको सेल्फी भी देख ली है, सेल्फी दिखा देते हैं। ये इंडोर के फोटो आपको देखने को मिल जाते हैं, ये सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेल्फी, इसमें ये दोनों सेल्फी देख सकते हैं। इसके बाद सेल्फी आपको ये दोनों फोटो पोर्ट्रेट मोड में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वीवो के कोई से फोन में आपको पोर्ट्रेट मोड देखने की नहीं मिलता है। ये वन प्लस में पोर्ट्रेट मोड में फोटो है, लेकिन वन वीवो में आपको कोई भी पोर्ट्रेट मोड देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये नॉर्मल फोटो आ जाते हैं दोनों फोनों में। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारे दोनों फोनों के कैमरा सैंपल ये थे जो कि हमने अभी आपको लाइव चेक कराए हैं। और फोटो हम चेक कराने वाले हैं, एक आध आपको हम लाइव सेल्फी चेक करा देते हैं अभी यहाँ से इंडोर की, जो कि हम आपको चेक कराने वाले हैं इंडोर की। तो यहाँ से ये देख सकते हैं बिल्कुल लाइव करंट की सेल्फी देख सकते हैं आप, यहाँ से टाइम भी देख सकते हैं हमारे फोन में आप ऊपर टाइम देखने मिल जाता है 11:17, लेकिन हमें ये अभी लाइव फोटो है 11:16 पे हमने दोनों फोनों में लाइव सेल्फी ली हुई है। अभी यहाँ से आप देख सकते हैं ये वन प्लस में है, ये वाला आपको वीवो में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको कैमरा में हिसाब से देख सकते हैं, तो अपने हमारे हिसाब से कैमरा का में जो बिना रहने वाला है वो वन प्लस का रहने वाला है। अगर इसमें प्राइसिंग का भी डिफरेंस बहुत है तो अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है वो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट आपको कर लेना पड़ेगा किस प्रकार से। अब ये दोनों फोनों की थोड़ी सी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो वीडियो आपको यहाँ देखने
के लिए मिल जाती है, दोनों फ़ोनों में आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये वीडियो थी। तो गाइज इस प्रकार से ये थी हमारे दोनों फ़ोनों के कैमरा टेस्ट की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा बेस्ट लगा, ताकि आपको अगर वीडियो में कोई भी कमी है, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो वैसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।